प्रश्न 16। यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश हो एवं सभी भुजाएं बराबर हो तो वह कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज एक वर्ग होता है। तो विकल्प 2 सही होगा। 17। समचतुर्भुज SELF में कोण FOL का मान है। तो कोण FOL समचतुर्भुज के दो विकर्णों के बीच का कोण है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यह कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होगा। प्रश्न 18। समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ समांतर SR है तो कोण X और कोण Y के मान होंगे। तो यहाँ पर PQ और SR समांतर हैं। PS एक तिर्यक रेखा है। हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो Y और 90 का योग 180 होगा। तो Y का मान होगा 180 माइनस 90 अर्थात 90 अंश। इसी प्रकार PQ समांतर SR है तथा RQ एक तिर्यक रेखा है। X और 120 तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण है। तो इनका योग भी 180 अंश होगा। तो X बराबर होगा 180 ऋण 120 यानी 60 अंश। तो X बराबर 60 अंश और Y बराबर 90 अंश इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 19। समांतर चतुर्भुज LONG में X तथा Y का अनुपात होगा। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4x बराबर होगा 20। यहां से x बराबर आएगा 20/4 यानी 5। इसी प्रकार 2y ऋण 1 सम्मुख भुजा 13 के बराबर होगा। 2y ऋण 1 बराबर 13। 2y बराबर आ जाएगा 13 ऋण 1 इधर जाएगा तो धन 1। 2y बराबर हो गया 13 धन 1 यानी 14। y बराबर आ जाएगा 14/2 अर्थात 7। अब आपने x और y का अनुपात ज्ञात करना है। x बटा y हो जाएगा 5/7 अर्थात 5:7। प्रश्न 20। यदि किसी वर्ग के 4 चक्कर लगाने पर 16 किमी की दौड़ पूरी होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग के 4 चक्कर में तय दूरी है 16 किलोमीटर। एक चक्कर में तय दूरी आ जाएगी 16/4 यानी 4 किमी। अब देखिए, यदि आप वर्ग के चारों ओर एक चक्कर लगाओगे तो आपको कितनी दूरी तय करनी होगी? वर्ग के परिमाप के बराबर दूरी तय करनी होगी। इसका मतलब हुआ कि वर्ग का परिमाप अर्थात 4 गुणा भुजा बराबर हुआ 4 किलोमीटर। यहाँ से आ जाएगा भुजा बराबर 4/4 अर्थात 1 किमी। अब वर्ग की भुजा 1 किलोमीटर आ चुकी है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा गुणा भुजा यानी 1 किमी गुणा 1 किमी अर्थात 1 वर्ग किमी। तो प्रश्न का उत्तर होगा 1 वर्ग किमी। प्रश्न 21। P में Q के दुगने को जोड़ने पर प्राप्त व्यंजक होगा। P में Q का 2 गुना अर्थात 2Q जोड़ने पर प्राप्त व्यंजक P धन 2Q होगा। प्रश्न 22। राम व श्याम के पास 45 रुपये अनुपात 1:2 में है। राम के पास रुपये हैं तो अनुपाती योग आएगा 1:2 अर्थात 3 और राम का अनुपात है 1। कुल रुपये हैं 45। 3 से 45 15 बार कटेगा। 15 एकम 15 रुपये राम के पास होंगे और श्याम के पास 30 रुपये होंगे। प्रश्न 23। निम्न में x का मान है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तिर्यक गुणा करेंगे। x 15 के साथ जाएगा। 15x = 21/5। यहाँ से x बराबर मिलेगा 21/5/15। 5 से 15 3 बार और 3 से 21 7 बार विभाजित होगा तो x बराबर 7 प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 24। कौन सी राशियां समानुपात में हैं?
तो वे राशियां समानुपात में होती हैं जिनमें बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। पहले विकल्प में 8 और 36 बाह्य पद हैं, तो 8 और 36 को गुणा करेंगे तो यह 288 प्राप्त होगा, और मध्य पद 16 और 48 हैं, 16 और 48 को गुणा करेंगे तो 768 प्राप्त होगा। अर्थात पहले विकल्प में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपात में नहीं होंगे। अब हम दूसरे विकल्प में देखते हैं, बाह्य पद 12 और 30 हैं, तो हम 12 गुणा 30 करेंगे जो कि 360 प्राप्त होगा, और मध्य पद 18 और 20 हैं, 18 और 20 को गुणा करेंगे तो यह भी 360 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल आपस में समान है, इसलिए 12, 18, 20 और 30 समानुपात में होंगे। प्रश्न 25, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोण C का मान बताओ। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण C कोण A का सम्मुख कोण है, कोण A 75 अंश है, तो कोण C भी 75 अंश होगा। विकल्प 4 सही है। प्रश्न 26, दिए गए ग्राफ में जनसंख्या का छोटे से बड़े में सही क्रम होगा। तो आपको यह ग्राफ दिया गया है, इसमें आप देखेंगे सबसे छोटा दंड ग्राफ असम का है, उसके बाद उससे बड़ा दंड ग्राफ पंजाब का है, फिर हिमाचल प्रदेश का है, फिर बिहार और राजस्थान का है। तो प्रश्न का उत्तर होगा असम, पंजाब, हिमाचल, बिहार, राजस्थान। प्रश्न 27, कौन सा वृत्त दिए गए वृत्तु में छायांकित भाग 75% को प्रदर्शित करता है। तो 75% का मतलब हुआ 75/100। 25 का भाग हम 75 और 100 में देंगे तो यह 3/4 प्राप्त होगा। तो 3/4 आप देख रहे हैं कि तीसरा वृत्त प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए उत्तर 1 सही होगा। 28, राम ने बाजार से 3/2 kg आम खरीदे और 1/2 kg केले खरीदे, तो कुल कितने किग्रा फल खरीदे। तो इसके लिए हम 3/2 और 1/2 को जोड़ेंगे जो कि 4/2 प्राप्त होगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, इसका मतलब हुआ कि राम ने 2 kg फल खरीदे। प्रश्न 29, अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक 3, 4, 6 और 7 हैं, तो अंकों का औसत प्राप्त अंक है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग अर्थात 3, 4, 6 और 7 को जोड़ेंगे जो कि 20 प्राप्त होगा। इसमें पदों की संख्या यानी 1, 2, 3, 4 का भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा। प्रश्न 30, एक आयताकार मैदान का 2 चक्कर पूरा करने में कितने मीटर दूरी तय हुई। आयत की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो पहले हम इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। परिमाप ज्ञात करने के लिए आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए और उसका 2 गुना कर लीजिए तो आपको 14 प्राप्त होगा। इसका मतलब हुआ कि एक पूरा चक्कर तय करने में 14 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। 2 चक्कर पूरा करने के लिए आपको 14 × 2 अर्थात 28 मीटर दूरी तय करनी होगी। प्रश्न 31, एक वर्गाकार खेत की चारों भुजाओं का योग 20 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, तो इसका मतलब हुआ कि हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी होगी। तो इसके लिए आपको दिया है वर्ग की चार भुजाओं का योग 20 है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो प्रत्येक भुजा हो जाएगी 20/4 अर्थात 5 मीटर। अब आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा यानी 5 मीटर × 5 मीटर जो कि आएगा 25 वर्ग मीटर। प्रश्न 32, एक साइकिल रिक्शा 10 घंटे में 50 किमी की दूरी तय करता है तो रिक्शा की चाल होगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी है 50 किमी और समय है 10 घंटे, तो 10 का भाग 50 में 5 बार जाएगा तो उत्तर आएगा 5 किमी प्रति घंटे, तो विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 33, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है।
तो इन तीनों में आप देख लीजिए अंश सबका बराबर है, तो हर जिस भिन्न का छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इन तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न है एक बटा दो। अब हम देखेंगे कि एक बटा दो और दो बटा तीन में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसके लिए आप तीन से एक को गुणा कर लेंगे, दो से दो को गुणा करेंगे, तीन एकम तीन, दो दुना चार, तो दो बट्टा तीन भिन्न बड़ी है। तो इन तीनों भिन्नों में एक बट्टा दो सबसे बड़ी है, और एक बट्टा दो और दो बट्टा तीन में दो बट्टा तीन बड़ी भिन्न है। इसका मतलब हुआ कि दो बट्टा तीन सबसे बड़ी भिन्न है। प्रश्न 34, तीन बटा दो एक्स धन एक बटा दो एक्स का मान होगा। हर दोनों का समान है इसलिए हम इनके अंशों को सीधे सीधे जोड़ लेंगे। तीन एक्स धन एक एक्स अर्थात एक्स, तीन एक्स में एक्स जोड़ेंगे, चार एक्स बटा चार, इसलिए विकल्प तीन सही होगा। प्रश्न 35, कार से 60 किमी की दूरी तय करने में 3 लीटर पेट्रोल खर्च हो तो 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी है। तो हमें दिया गया है 3 लीटर पेट्रोल से कार 60 किमी दूरी तय करती है, और ज्ञात करना है 1 लीटर पेट्रोल से कार कितनी दूरी तय करेगी। तो इसके लिए आप 3 का भाग 60 में देंगे जो कि 20 बार जाएगा, तो 1 लीटर पेट्रोल से कार 20 किमी दूरी तय करेगी।